हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडल वर्ब पार्ट फाइव ऑलरेडी वी डिस्कस पार्ट वन टू फोर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट फाइव देन लेट्स स्टार्ट इट ओके देन हियर यूज ऑफ मॉडल माइट ओके तो हम लोग माइट को कैसे यूज करेंगे मॉडल को उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो इसका क्या रोल्स है और किस तरह से यूज करेंगे उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं द रूल फॉर द यूज ऑफ मॉडल माइक इज दैट इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस लेस प्रॉसिबिलिटी परमिशन और ए गैस ओके okay. तो हम लोग को जब भी माइट को यूज़ करते हैं तो हम लोग का क्या रहता है ये लेस पॉसिबिलिटी रहता है कि हो सकता है नहीं हो सकता है परमिशन मांगने के लिए हम यूज करेंगे या फिर कोई भी चीज़ के ऊपर हम लोग गैस करें कि ऐसे हो सकता है देन हम यहाँ पर यूज करेंगे माइट को तो एग्जाम्पल में देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ मॉरल माइट आर गिवेन बिलो देन इट माइट रेन टूडे ओके ये हम लोग का लेस पॉसिबिलिटी है माइट देन माइट आई गो टू गेट द फाइल्स तो यह हम लोग परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मुझे फाइल मिल सकता है क्या देन वी हैव टू यूज योर माइंड देन देट माइक बी द न्यू गाड तो ये क्या है गैस कर सकते कि शायद वो न्यू गाड हो सकता है ओके तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे माइक तो ये हम लोग का क्या है जितना भी परमिशन के लिए हम यूज़ करेंगे पॉसिबिलिटी लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज करेंगे और हम लोग का जितना गैस करेंगे कि हो सकता है क्या इस तरह के तो हम जो यूज करेंगे ओके देन दूसरा हम लोग का यूज ऑफ मॉडल कैन कैन को हम कैसे यूज करेंगे उसके बारे में देखेंगे द रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ मॉडल कैन इज दैट इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस परमिशन पॉसिबिलिटी एबिलिटी और कैपेसिटी तो हम कैन को जब भी यूज करेंगे तो क्या ये में यूज कर सकते हैं सिचुएशन में परमिशन मांगने के सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे पॉसिबिलिटी हो सकता है उस सिचुएशन में हम कैन uh, मॉडल को यूज करेंगे देन एबिलिटी हो सकता है या फिर कैपेसिटी है तो उसको हम कैन को यूज़ करेंगे ओके देन एग्जांपल यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा कैन आई गो टू द मार्केट ये क्या है हम लोग परमिशन मांग रहे हैं कि क्या हम मार्केट जा सकते हैं क्या क्या मैं मार्केट जा सकती हूँ क्या देन वी हैव टू यूज़ योर कैन ओके दैन एनी वन कैन बी द थीप ओके देन पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कोई भी थीप हो सकता है हमें कोई आइडिया नहीं है बट कोई भी हो सकता है थीप देन वी हैव टू यूज योर कैन ओके एनी वन कैन बी द थीप देन ही कैन स्टे अवेक फॉर टू डेज तो ये क्या है एबिलिटी और कैपेसिटी भी है कि वो क्या है अवेक फॉर टू डेज ही कैन स्टे अवेक ओके वो दो दिन ये कर सकता है हम उसको यहाँ यूज कर सकते हैं कैन उसका एबिलिटी को दर्शाता है या कैपेबलिटी को दर्शाता है ओके देन दूसरा हम लोग का यूज ऑफ मॉडल कोड ओके तो हम कोड को कैसे यूज करेंगे कहाँ पे यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा देखेंगे द रूल फॉर द यूज़ ऑफ मॉडल कोड इज दैट इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी इन द पास्ट ओके okay, तो पहले में अगर किसी का एबिलिटी था या किसी का कैपेसिटी था देन हम यूज करेंगे यहाँ पे कोड ओके कैन का हम लोग का पास टेंस में हम कोड को यूज़ करते हैं देन पोलाइट रिक्वेस्ट और ए पॉसिबिलिटी अंडर सर्टेन टेंस और पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से या फिर पॉसिबिलिटी है कि वो हमें ये हो सकता है मिल सकता है ये कर सकते हैं देन वी हैव टू यूज योर कोड ओके गॉट इट ओके देन दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ मॉडल कोड यहाँ पे क्या क्या है कहाँ पे कैसे डालते हैं देखेंगे ही कुड रन वेरी फास्ट इन हिज यूथ तो ये एबिलिटी और कैपेसिटी था कि फ्यूचर में आ, ये में पास्ट में वो ऐसे रन कर सकता था ओके okay, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कुड कुड यू वेट फॉर हिम तो ये क्या है हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते क्या क्या उसके लिए रुक सकते हैं देन दूसरा क्या है इफ़ यू इफ़ वी हैड मनी वी कूड हैव वॉट ए हाउस तो हम लोग के पास अगर रुपया होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग घर खरीद सकते हैं तो ये हम लोग का क्या है पॉसिबिलिटी अंडर सर्टे कंडीशन अलग अलग कंडीशन में हम इस तरह का कूड को, को यूज कर सकते हैं ठीक है थीक्या? ओके okay, देन हम लोग का दूसरा हम लोग का है मॉडल मस्ट है तो हम लोग इसका रूल्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल में जाएंगे एग्जांपल के साथ में क्योंकि एक साथ ज़्यादा पढ़ेंगे तब भी आ, समझ में भी नहीं आएगा और याद में भी नहीं रहेगा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो चलिए देखते हैं मॉडल मस्ट द रूल फॉर यूज़ ऑफ मॉडल मस्ट इज दैट इट इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन ड्यूटी नेसेसिटी कॉम्पल्सन प्रोहिबिशन इम्फेटिक एडवाइस डिटर्मिनेशन एडप्सन कंक्लूजन एंड इंटरफियरेंस सर्टेनिटी स्ट्रॉन्ग प्रोबाबलिटी तो हम लोग का जब भी हम मॉडल यूज को यूज करेंगे एक्सप्रेस कौन सा चीज को करेंगे ऑब्लीगेशन या ड्यूटी को एक्सप्रेस करेंगे नेसेसिटी को एक्सप्लेन करेंगे कंपलसन प्रोहिबिशन इम्फेटिक एडवाइस डिटर्मिनेशन एडप्सन कंक्लूजन और इंटरफेयरेंस और सर्टेनिटी एंड स्ट्रोंग प्रोबाबलिटी ये सब चीज को हम क्या करेंगे एक्सप्रेस करेंगे तभी हम यूज करेंगे मस्ट ओके okay? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या क्या है किस तरह से यूज करेंगे कौन सा ये में आता है एक्सप्रेस में आता है ओके okay, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि शेयर करने से क्या है अब मे भी हो सकता है आपके पड़ोसी या आपके कोई रिलेटिव के पास में वो वीडियो जाए जो कि जिसके घर में स्टूडेंट हो तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दूसरा चीज़ क्या है अगर कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर कोई भी एस्पिरेंट हो कोई भी एग्जामिनेशन के लिए तो वो लोग के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आप लोग जरूर ये शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अगर अच्छा भी ना लगे तब भी कमेंट के बताइए कि कैसे हैं तो मैं और भी इंप्रूव कर सकूंगी अपने बीडी में ओके थैंक यू टेक केयर बाय बाय